तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुणाल द एनिमल प्लैनेट और साथ में उस्ताद सोनू इंदौर से। तो भाई क्या है कि लॉफ्ट में कुछ ना कुछ कार्रवाई चलती रहे सोनू भैया, तभी मन लगता है। आज हम क्या कर रहे हैं, आप ये देखिए कि हमारे पास पर्चेज लगी हुई हैं, ठीक है। ये बहुत पहले से आपने देखी है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, एक बार इधर लेके आओ। जैसे इसको अगर हमने साफ़ करना है तो ये क्लीन करना पॉसिबल नहीं है, प्लस जो इसका वुड है वो निकल जाता है। आप ये देख सकते हो कि इसके नोकीले जो ये है पेच बाहर आ गया है। अब चलो, एक तो ये इशू है, देखो इसमें कईयों में निकले पड़े, इसमें निकल गया, इसमें निकल गया, और बहुत सारों में ये नोकीले पेज जो है निकल गए थे। दूसरा, अब इसको साफ़ करने के लिए या तो हम इन सब पे पानी मारते रहे, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर है, या फिर हम इस पे पत्ती मारें इस प्रकार से। इधर लेके आओ, ये देखो, अगर हम कितनी भी पत्ती मार रहे हैं तो पत्ती मारने में हो क्या रहा है कि ये पर जो है ऐसे ऐसे हिलेगी और ये ना तो साफ़ भी नहीं हो पाती है। अब पत्ती मार रहे हैं तो ये पर्च जो है यहाँ से हमारी धीरे धीरे विद टाइम ढीली हो जाएगी। तो उसके लिए हमने अभी क्या करा है, अपने पास आ चुकी है डीअटैचेबल वाली पर्चेस। ये कंप्लीट पर्च नहीं है, कंप्लीट पर्च जो है अभी आपको लगा के दिखाएंगे। ये बीच का पार्ट है, इसमें विंग्स इसके अभी अटैच होने हैं, ये डीअटैचेबल है, ठीक है। विंग्स इसमें अभी अटैच नहीं है। अभी हम इन सब को खोलेंगे और इन सब को खोलने के बाद इनको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इनमें विंग्स लगाएंगे। जिसको अनइंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, ये अपनी ड्रिल है, इससे अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। एक मैंने कर दिया, बाकी अब कंप्लीट करके ये मैंने एक इंस्टॉल करा है अभी, बाकी ये कंप्लीट इनको रिमूव करके नई इंस्टॉल करके फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई सारी की सारी पर्चेज इंस्टॉल हो चुकी हैं, ठीक है। और इंस्टॉल हुए एक दिन हो गया, वीडियो आज थोड़ी लेट बना रहा हूँ, इस पर बर्ड्स बैठ भी रहे हैं, सारा कुछ है। तो ये इसलिए बनाया कि इसको क्लीन भी करके दिखाएंगे कि ये क्लीन किस तरीके से होती है। इनको क्लीन भी इसी के अंदर करके दिखा देंगे, 2 मिनट लगेंगे। अभी आपको ये सारी पर्चेज मैं क्लीन करके दिखाऊँगा, रहना वापसी बिल्कुल ब्रांड न्यू बनाएंगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि इस डीअटैचेबल का बेसिक पर्पज़ क्या है, ठीक है। इनको 1 सेकंड का काम है, ये सारी खुलती चली जाएंगी। इनको पानी में डिप करना है, ठीक है। अब ये सारी पर्चेस जो है अभी हम निकाल लेंगे अपनी, जो इनके विंग्स है, क्योंकि बेसिकली विंग्स ही गंदे होते हैं, ये तो गंदा होता नहीं है पार्ट, क्योंकि इसके ऊपर क्या है भाई कि कबूतर बैठता तो ड्रॉपिंग इस साइड करेगा, ये साइड, और भाई पूरे मजबूत है। एक ही लगा हुआ है इसमें, एक ही था यहाँ, क्योंकि भाई ये देखो, ये तो गंदा होता नहीं, क्योंकि अगर बर्ड इस पर बैठेगा तो या तो ड्रॉपिंग इस तरफ करेगा या इस तरफ, और ये देख सकते हो आप भाई पूरा मजबूत होता है। ये लगने के बाद 2 पेच इधर लगे हुए हैं और 2 पेच यहाँ नीचे लगे हुए हैं, तो पूरा मजबूत है। खोलते जाओ आप, ठीक है। हार्डली 5 मिनट लगेंगे इन सबको खोलने में और डिप करने में, ठीक है। इनको खोल के हमने कुछ ही नहीं करना, बस इनको इस तरीके से पानी के अंदर डिप कर देंगे, और अपनी मेहनत कुछ नहीं है भाई इसके अंदर कि हमें रगड़नी है या कुछ करनी है, बस इनको पानी के अंदर भरते जाना है, ठीक है। और 5 मिनट पानी में छोड़ दोगे, 10 मिनट, ये सारी बीट अपने आप फूल के निकल जाएगी। और ये देख सकते हो आप कि 3-4 लाइंस तो खाली भी हो गई हैं, ठीक है। इनको भी ब्रांड न्यू कर देंगे वापसी। तो भाई ये देखो, ये पूरी एक वॉल उतर गई है, बाल्टी छोटी है नहीं तो सारी आ जाती है, ये पूरी एक वॉल उतर गई है, एक बॉल उतर के इसमें है, ठीक है। अब इसको डिप करना है ना, तो एक ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो कि कुछ भी थोड़ी एक हैवी चीज़ लेके इनके ऊपर रख दो ताकि ये पानी के अंदर डूब ही रहे। अच्छा, तो भाई 5 मिनट हो गए इन पर्चेस को होते हुए, ठीक है। अब ये देखो, बस कुछ नहीं करना, एक सूखा कपड़ा लो, इनको पोंछ दो, बिल्कुल क्लीन हो गई, बीट अपने आप इन सब में से निकलती चली जाएगी। अभी ये देखो, जैसे ये है, इसको कुछ नहीं करना, अभी कपड़ा मारेंगे, देखना एकदम साफ हो जाएगी। ये देखो भाई, ये लो एकदम क्लीन। तो इस तरीके से अब हम इन सबको पहुँच लेंगे, 5 मिनट लगेंगे। तो भाई डिप कर दिया, सारी गंदगी पानी के अंदर आ गई, पर्चेज बिल्कुल ब्रांड न्यू हो चुकी हैं, अपनी वापसी लग गई। ऐसे ही जब भी आपको लॉफ्ट में लगे, 2 मिनट लग रहे हैं, सबको रीइंस्टॉल करते जा रहे हैं, सारी हो गई हैं, बस एक ये लास्ट की लाइन रह रही है, 2-4 पर्चेज, ठीक है।
और देख सकते हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन और एकदम बढ़िया वाली साफ हो गई। तो भाई ये है अपना डी अटैचेबल पर्च का सिस्टम। अभी क्या है, रात हो रही है, ये वाली वॉल अभी साफ़ करनी है, इसको भी कर देंगे थोड़ी देर में। देख सकते हो ये सारा पानी वानी गिरा हुआ है, ये सारी साफ़ करके एक एक पर्च देखो कैसे चमक रही है, नई की तरह। नई तो है भी वैसे, बट आपको पता ही है कि बर्ड्स एक आध दिन में ही ड्रॉपिंग करके इनका ये हाल कर देते हैं। तो हफ्ते में, महीने में जब भी आपका मन करे इनको निकाल करके आप क्लीन करके वापसी इंस्टॉल कर सकते हो, कोई इसमें वो हेडेक वाली बात नहीं है। तो बहुत ही शानदार कलर था। कल आपको ये दिखाऊंगा दिन में कि कबूतर इस पर बैठता कितना कंफर्टेबली है, इसमें कबूतर कितना ज़्यादा कंफर्टेबली बैठता है, तो वो देख के भी आपको मज़ा आ जाएगा। तो भाई फाइनली आप देख सकते हो पर्चेज सारी मैंने आपको धो के दिखा दी, सारा कुछ करके दिखा दिया। ये वीडियो 3-4-5 दिन लग गए हैं बनाने में। रीज़न क्या है कि कब इंस्टॉल करना है, फिर वॉश करके भी आपको दिखाना था, सारी चीज़ आपको दिखानी थी। अब फाइनली भाई मैं कबूतर खोलूंगा और आप ये देखो कबूतर कितने अच्छे से इस पर बैठता है। एक बार इधर ले आओ। तो भाई इसको पूरा खुरदरा करा हुआ ताकि कबूतर बैठ सके और पूरा मजबूत है, कहीं हिलने नहीं वाला। खोलो, साफ करो, लगाओ। अब फाइनली इसके अंदर हम कबूतर को बिठा के दिखाते हैं कि कबूतर कितने अच्छे से बैठते हैं। तो भाई ये थी परचेज की वीडियो। आप देख सकते हो कि उड़ के भी बैठ रहे हैं कंफर्टेबली बिल्कुल, कबूतर कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, उड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सारा अपना एंजॉय कर रहे हैं धूप को। ये देखो आप, बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ रहा है कबूतर, किसी कबूतर को कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बेस्ट क्वालिटी की परचेज फ़िलहाल जो आपको मिल जाएंगी, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। और भाई ये अपने सारे बर्ड्स हैं, पानी वानी रख दिया इनको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो। और परचेज ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।